हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और ये हमारी नई सीरीज करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज का ये सेट 4 है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेट में 15 क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं जो कि एग्जाम बेस्ड होते हैं, प्लस ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो कल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर्स है इस स्लाइड में, साथ ही साथ क्वेश्चन भी है और उसके साथ ही साथ आंसर भी है। तो आप इन आंसर को क्रॉस चेक कर लीजिएगा और अपना स्कोर देख लीजिएगा कि आपको 5 में से कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4 या 5 out of 5। ओके फ्रेंड्स, सो एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि वीडियो के अंत में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए और अंत में उन क्वेश्चंस का जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि उससे आपको अपनी प्रैक्टिस का अंदाजा भी होगा, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं करंट और स्टैटिक बेस्ड। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व खाद्य दिवस 2018 किस दिन मनाया जाता है? ओके, और 2008 के लिए इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड फूड डे 2018 थीम बताना है यहाँ पे, एंड विच डे इट इज सेलिब्रेटेड। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 16th अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और 2018 के लिए इसकी थीम है आर एक्शंस आर अ फ्यूचर, मतलब जो आपका वर्ताव होगा वही आपका भविष्य होगा। ओके, एक्शंस आर अ फ्यूचर, अ जीरो हंगर वर्ल्ड बाय 2030। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, नो हंगर वाला जो मतलब जो कैटेगरी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन से नंबर पे रखा गया है? जैसे कि कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन नंबर कितने हैं, तो वो 17 है। ओके फ्रेंड्स, तो 17 में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके अलग अलग टारगेट्स लिखे गए हैं, तो नो हंगर वाला टारगेट इस नंबरिंग में कौन से नंबर पे आता है, आपको ये आंसर बताना है। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? फ्रेंड्स, एक आपने बिल सुना होगा, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक बिल होता है मनी बिल। ओके, तो मनी बिल तो लोकसभा की अगर मेजोरिटी है तो वो लोकसभा पास कर देता है और राज्यसभा में इसकी कोई मतलब से नहीं होती, से इन द सेंस वोटिंग वगैरह के राइट्स नहीं होते। हाँ, रिकमेंडेशन दे सकते हैं वो लोकसभा को, अगर लोकसभा को इसको मानना है तो ठीक है, वरना ये पुराने बिल को पास कर देते हैं और फिर प्रेसिडेंट भी उसे असेंट दे देते हैं। ओके, लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल होता है अगर, तो उसमें दोनों हाउसेस का से होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ओके फ्रेंड्स, और जब इस बिल के ऊपर कोई भी सहमति नहीं बनती है, ओके, और प्रेसिडेंट भी से कहते हैं कि हाँ कि इसके लिए जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए या बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कोई बिल या कोई लॉ बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मगर उसकी रजामंदी नहीं हो रही है, तो उसके लिए एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ओके, और उस जॉइंट सेटिंग को कौन चेयर करता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो उस जॉइंट सेटिंग को लोकसभा की जो स्पीकर होती हैं या होते हैं वो उसे चेयर करते हैं, ना ही उसे राज्यसभा के स्पीकर चेयर करते हैं, ना ही डेप्यूटी स्पीकर और ना ही वाइस प्रेसिडेंट। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर जॉइंट सेटिंग हो रही है तो हमेशा हमेशा वो लोकसभा का ही स्पीकर उसे हेड या आप बोल दीजिए चेयर करेगा। ओके, तो ये था इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ये है कि एक सिविल सर्वेंट हुआ करते थे ब्रिटिश सरकार में जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। तो जब 1957 का रिवोल्ट हुआ, सॉरी 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, जब बहादुर शाह जफर को मतलब रंगून भेज दिया गया था और फिर मतलब बर्मा भेज दिया गया था और फिर वहां पर उन्हें लटका दिया गया था। ओके, तो उसके बाद से ब्रिटिशर्स के अंदर ये एक डर पैदा हो गया था कि ऐसा रिवोल्ट आने वाले समय में ना हो जाए। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये जो सिविल सर्वेंट है ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मतलब बॉडी बनाई जाए जो हमारी तरफ से जनता को काउंटर करे, ओके, या हमारी बातें जो होती हैं उसे जनता तक पहुंचाए और ये बताए कि हाँ हम उनके लिए भला करना चाहते हैं या उनके लिए अच्छा करेंगे।
तुम और इसमें सारे इंटेलेक्चुअल्स होंगे जो कि भारत के नेटिव होंगे, और वो भारत की जो संख्या है जो लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी है उसको समझा सके और ऐसा रिवोल्ट आने वाले समय में ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन ऐसा हुआ था। ओके, हालांकि ये बाद में बैकफायर कर गया क्योंकि कांग्रेस में ही सबसे ज्यादा लोग थे और फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस का काफी बड़ा हाथ है। ओके फ्रेंड्स, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई चीफ की नियुक्ति करने की समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं? कमिटी विच अपॉइंट्स द सीबीआई चीफ हैज द फॉलोइंग मेंबर्स। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सो जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज में काफी चल रहा है कि सीबीआई के जो नंबर वन है, मतलब नंबर वन रैंक एंड नंबर टू रैंक के बीच में काफी घमासान मचा हुआ है और एक दूसरे के खिलाफ काफी, मतलब एफआईआर भी फाइल हो चुका है, तो दोनों को छुट्टी पे भेज दिया गया है, मतलब लीव भेज दिया गया है। ओके, और साथ ही साथ ये सीबीआई की जो इंटीग्रिटी है, मतलब जो एक इंस्टीट्यूशन है उसके लिए काफी, मतलब ये अच्छे संकेत नहीं है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन को, मतलब लोग बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, ये जो मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप सीबीआई देख लीजिए, कैग देख लीजिए, यूपीएससी हो गया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, तो ये मतलब बुलवर्क माने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे अगर ऐसी बातें होती हैं या फिर उनके नंबर वन और उनके नंबर टू आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एज अ होल। ओके, पूरे कंट्री के लिए ये ठीक नहीं है, ठीक संकेत नहीं है, तो इसको गवर्नमेंट को इंटरवीन करके जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरिम चीफ ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन है? जो अभी ये दो नंबर वन और नंबर टू को छुट्टी पे भेजा गया फ्रेंड्स, उसके बाद जो इंटरिम चीफ बनाए गए हैं सीबीआई के, वो उनका नाम क्या है, वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो उनका नाम है नागेश्वर राव। ओके फ्रेंड्स, तो ये तेलंगाना कैडर के हैं। ओके, आईपीएस ऑफिसर है ये, 1984 बैच के हैं ये नागेश्वर राव। ओके, और इन्होंने काफी बड़े बड़े केसेस हैंडल करे हैं और ये प्रसिद्ध हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग ज्यादा करते हैं केस सॉल्व करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS4 is related to फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हीकल्स। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो BS4 है उसके व्हीकल्स पे बैन लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आने वाले समय में अपन, मतलब भारत को BS4 से BS6 में डायरेक्ट शिफ्ट होना है, BS5 को जंप करके, मतलब भारत BS5 को जंप कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि जो इसमें इमिशंस होता है, मान लीजिए इसमें ये ज्यादा इमिशंस हो रहा है तो इससे पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफी बढ़ रहा है, या जो एयर पोल्यूशन है वो काफी बढ़ रहा है और एयर की क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, यानी खराब हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है, आप ऐसा समझ लीजिए, वो व्हीकल के अंदर होता है जो कि एमिशन और फ्यूल इंजेक्टर वगैरह को रिप्लेस करके और तो उससे अच्छा वाला फ्यूल इंजेक्टर लगाते हैं जिसमें सल्फर की मात्रा या फिर कार्बन की मात्रा उतनी कम निकले, इन द सेंस एनवायरनमेंट में उतना कम प्रदूषित करे उसको। ओके, सो ये इसके लिए ये टेक्नोलॉजी है BS4 और BS5 और BS6। हाल ही में रिसेंटली न्यूज में ये बोला गया है कि पैन इंडिया बैन लगेगा BS4 व्हीकल्स में 2020 से। ओके, पैन इंडिया, अभी तो खैर ये दिल्ली में बस बैन है। ओके, अब ये पैन इंडिया बैन होगा 2020 के बाद और इसके रजिस्ट्रेशन भी नहीं होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन भी नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस समिति द्वारा डेटा सुरक्षा के संबंध में एक मसौदा तैयार किया गया? रिसेंटली अ ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग डेटा सिक्योरिटी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। तो फ्रेंड्स, ये जो कमिटीज हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि वो कौन सी कमिटी थी जिसने डेटा सिक्योरिटी के बारे में एक ड्राफ्ट बना के तैयार किया गया कि कैसे किसी भी व्यक्ति का जो डेटा होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो तुरंत आपसे, मतलब पूरा अलाओ बोलता है, अलाओ और डिनाय, तो आप अलाउ कर देते हैं, फिर उसका पूरा एक्सेस हो जाता है, चाहे वो आपके कॉन्टेक्ट्स हो, वो कॉन्टेक्ट्स भी सिंक कर लेता है। ओके, एट टाइम्स क्या होता है कि आप कोई भी सर्विसेज लेने के लिए आपसे पूरा फॉर्म भरवाया जाता है कि फादर्स नेम, कौन सी गली में रहते हैं, और फिर तुरंत आप देखेंगे अगर आप दूसरे साइट को विजिट करेंगे तो वहीं पर एक साइड में देखिएगा आप, यहाँ पे ब्लिंक करता रहता है। अगर मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट में एक या फिर अमेजोन में आपने कोई एक फोन देखा, ओके, और फिर तुरंत अगर आप फिर गूगल में जाके कुछ सर्च करते हैं,
और फिर वो साइट खुलती है तो उसके साइड में देखेंगे आप कि आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखता है उसी फोन का जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा होता है। ओके, डेटा जितना मतलब डेटा गैदरिंग होती है उसकी वजह से ही होता है ये आपकी मतलब लाइकिंग्स डिसलाइकिंग को शो करते रहते हैं, ये प्रॉम्प्टली पॉपअप करते रहते हैं। जैसे आप कोई भी वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ साइड में जो ऐड आएगा वहाँ देखिएगा, वहाँ पे यही वही ऐड आएंगे जो कुछ दिन पहले आपने विजिट करे होंगे या कुछ दिन पहले आपने सर्च करे होंगे। ओके, सो इससे रिलेटेड सिक्योरिटी के बारे में जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने ये कहा था कि डेटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है भारत के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक पे अच्छे से चर्चा हो सकती है, काफी अच्छा टॉपिक है ये, तो इसके लिए हम अपने चैनल के लिए वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, आपके लिए जरूर जल्दी बनाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली देर इज अ इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स फाइलिंग ऑफ हाउ मेनी परसेंटेज। हाल ही में डायरेक्ट टैक्स फाइलिंग करने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो फ्रेंड्स, वो वृद्धि हुई है 80% की। ओके, लगभग 80% जो जनता है उसने डायरेक्ट टैक्स फाइलिंग मतलब टैक्स को फाइल किया है और आने वाले समय में वो टैक्स पे भी करेंगे। तो ये जो इंक्रीज है ये लगभग 80% का है। अप्रोक्स पहले 3.75 करोड़ थे और ये अब बढ़ के लगभग 6 करोड़ समथिंग हो गया है अप्रोक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये वृद्धि काफी अच्छी वृद्धि और ये काफी अच्छे संकेत हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन और काफी जो आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगा है वो ये काफी जिम्मेदार है। और जो महाराष्ट्र स्टेट है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट किया है इन्होंने, ये सबसे ज्यादा ये मतलब डायरेक्ट टैक्स फाइलिंग में इनका नंबर सबसे आगे है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम जन आरोग्य योजना के सीईओ कौन बनाएंगे? सीईओ ऑफ पीएम जन आरोग्य योजना। तो फ्रेंड्स, ये जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत ही स्कीम है जिसका नाम बदल के जन आरोग्य योजना कर दिया आयुष्मान भारत, जिसमें फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्हें 5 लाख का इंश्योरेंस पर ईयर दिया जा रहा है 10 करोड़ फैमिलीज को। अगर मान लीजिए एक फैमिली में 5 मेंबर हैं और 10 से इंटू करेंगे तो ये लगभग 50 करोड़ भारत की जनता को ये इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो इसके सीईओ बनाए गए हैं इंदु भूषण, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंदु भूषण। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स वीडियो प्लेलिस्ट में है हमारे चैनल की, तो आप विजिट कीजिए चैनल को और प्लेलिस्ट में जाके आयुष्मान भारत टाइप कीजिए और पूरा आयुष्मान भारत के बारे में वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एक एक फैक्ट्स और फिगर्स को। अगला क्वेश्चन है, राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में है? राजा जी नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड में देहरादून में, ये पार्क है देहरादून में जो उत्तराखंड की राजधानी है, ये वहां पर है राजा जी नेशनल पार्क। ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है, एक दो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं फ्रेंड्स हर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन एसएससी वगैरह में और कभी कभी तो बैंक में भी पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, बैंक का जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएलटी स्टैंड फॉर, एनसीएलटी का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है इसका फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स, जब कोई कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है या फिर वो अपना डेट जो कि लोन लिया हुआ होता है बैंक से वो पे नहीं कर पाती है, डेट को पे नहीं कर पाती है, उसके बाद कंपनी अप्रोच मतलब बैंकक्रप्सी के लिए फाइल करती है और कभी कभी बेल आउट के लिए भी फाइल करती है, मगर बेल आउट वगैरह इतना आसान नहीं है मिलना। ओके, तो क्या होता है फिर कंपनी के जो एसेट्स रहते हैं जैसे उनकी बिल्डिंग्स हो गई, उनके मतलब जो एसेट्स होते हैं उनको बेच के मतलब ये लोन वापस किया जाता है या फिर उन्हें कुछ समय दिया जाता है, उनका लोन एक्सटेंड कर दिया जाता है या फिर उनकी इंस्टॉलमेंट रिड्यूस कर दी जाती है, तो डिफरेंट मेजर्स उठाए जाते हैं। अगर यहाँ से भी ये सब सॉल्व नहीं होता तो फिर इसे बेच के ये रिपे किया जाता है। तो ये कंपनी अप्रोच करती है नेशनल कंपनीज लॉ ट्राइब्यूनल को। ओके फ्रेंड्स, तो इस ट्राइब्यूनल का एपलेट भी है लेकिन यहाँ पे सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में निम्नलिखित में से किससे अपना नाम वापस ले लिया है? यूएस रिसेंटली विथड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अगर न्यूज फॉलो करते हैं तो आप सुनते होंगे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मतलब बहुत ही खतरनाक बयान देते हैं, कभी भी वो कह सकते हैं कि मतलब इंडिया पर सैंक्शन लगा देंगे, यूएस से बात नहीं करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये इस ऑर्गेनाइजेशन से हट जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से हट जाएंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देते रहते हैं, मतलब बहुत ही वेग स्टेटमेंट्स हैं जिनको आजकल लोग मतलब
सीरियसली लेते भी नहीं है, मैं तो यही कह सकता हूँ। तो ये जो चारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं या चारों जो चीज ट्रीटीज वगैरह अग्रीमेंट्स हैं, या यहाँ से यूएस ने विदड्रॉ कर लिया जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है लेटेस्ट में रिसेंटली, तो रिसेंटली इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से विड्रॉल किया है यूएस ने। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रीटी है ये 1987 में यूएस और उस समय के यूएसएसआर ने, सोवियत संघ जो था उस समय, उनके बीच में हुई थी। और इस ट्रीटी में ये बात हुई थी कि जो इंटरमीडिएट रेंज और जो शॉर्ट रेंज के जो मिसाइल्स हैं उनका मतलब एक वो किया जाएगा, उनका धीरे धीरे उनको डिवेस्टेट किया जाएगा, यानी उनको मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस ट्रीटी के कारण दोनों जो कोल्ड वॉर के मतलब जो कोल्ड वॉर एरा के जो दोनों अपने आप के जो लीड है, मतलब अपने अपने क्षेत्रों में जो अपने आप को धुरंधर मानते हैं, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूएसएसआर हो, तो उन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी। और ये धीरे धीरे उस मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स है या ये जो सॉरी न्यूक्लियर वेपन नहीं, ये जो इंटरमीडिएट रेंज के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और जो शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, मतलब फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन हाल ही में यूएस ने ऐसा बोला है कि रशिया डेवलपमेंट कर रहा है इन इंटरमीडिएट रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का, तो अब हम इस ट्रीटी से अपना हाथ वापस लेते हैं या यूएस अपना नाम वापस लेता है और अब यूएस भी डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये काफी मतलब खतरनाक बात बोल दी उन्होंने कि अब इससे डोनाल्ड ट्रंप के काफी ज्यादा जो दुश्मन है वो पैदा हो सकते हैं। मतलब हर कोई अब खड़ा हो जाएगा, ये बोलेगा अब आप कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो चाइना ने भी इस ट्रीटी मतलब ये जो उन्होंने विड्रॉल किया है उसे अपोज किया है, और ये ठीक नहीं है आज के मतलब आज के 21st सेंचुरी के हिसाब से, जहां पे पीस इज द की रिक्वायरमेंट फॉर द वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है समर्थ इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल वॉज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। समर्थ इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल किस देश द्वारा बनाई गई है। तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है रशिया के द्वारा। फ्रेंड्स ये जो सरमत है ये काफी पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब अगर आप इसके बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे डीप तो आप ये जानेंगे कि इस मिसाइल को डिटेक्ट भी नहीं कर सकता अगर कोई रडार इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपना क्रॉनिकल शेल छोड़ के फिर ये वेव चेंज करके फिर अटैक अपने टारगेट को करता ही करता है, मतलब ये अनट्रेसेबल टाइप का है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे रशिया ने डेवलप किया है। रशिया की भले इकोनॉमी ठीक से वर्क ना कर रही हो फ्रेंड्स, भले वो इतना इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो आर्म्स एनिमेशंस के मामले में मतलब यूएस से भी आगे हैं। ओके, सो ये बनाया गया है रशिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कितने घंटे के लिए मतलब फटाके फोड़ने की अनुमति दी है, और ये भी कहा है कि आपको ग्रीन कलर के और कम आवाज वाले फटाके फोड़ना है दीपावली और अन्य जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें। ओके, इनफैक्ट वेडिंग्स में भी, और ये भी कहा है कि न्यू ईयर में सिर्फ एक घंटे न्यू ईयर और क्रिसमस में 11:30 बजे से लेके वही लगभग 12:30 बजे तक पोस्ट मिडनाइट तक। ओके, सो यहाँ पे जो कहा गया है ये 2 घंटे की अनुमति दी गई है, खासकर दीपावली में ये तो 8 से 10 की दी गई है, मतलब 8 बजे से 10 बजे तक के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर इसका मतलब ये फॉलो नहीं होगा तो जो SHO होंगे, जो वहां के स्टेशन मास्टर होंगे, मतलब पुलिस स्टेशन के जो हेड होंगे, उनको ट्रीट किया जाएगा कंटेम्पलेट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत। ओके, मतलब कोर्ट की बात ना मानने के अंतर्गत उन पे कार्रवाई होगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा पिछले साल भी कुछ ऐसा बैन लगा था कि लिथियम और ये बेरिलियम वाले जो प्रोडक्ट्स हैं या क्रैकर है तो इसे नहीं फोड़ना है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा आपने ये कह दिया कि आप पोल्यूशन करो मगर थोड़ा सा कम करो, है ना। इनफैक्ट SC का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो यही कह रहा है कि आप पोल्यूशन करो मगर थोड़ा सा कम करो। ठीक है, आप आवाजें निकालो बम फोड़ के, लेकिन थोड़ी सी कम निकालो, है ना। ये भी कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस बना दिया जाएगा, सब वहां पे जाइए और अपने फटाके फोड़ के जाइए। तो फ्रेंड्स ये ऐसा होता कहाँ है, सब अपने घर ही में फटाके फोड़ते हैं। और मतलब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पे कंप्लीट बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि तमिलनाडु में मतलब इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और लगभग 6,000 करोड़ रुपए का ये स्टेट को इससे मुनाफा होता है, या मतलब इससे बहुत लोग रोजगार से जुड़े हैं इस इंडस्ट्री से। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस भी इस क्वेश्चन से। भारतीय महिला राष्ट्रीय जैविक उत्सव 2018 दिल्ली में कब से कब तक मनाया जाएगा।
Women of India National Organic Festival 2018 to be held in Delhi from date this to this. Okay, तो इसमें अपन को डेट बतानी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है 26 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक. तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ पर बेसिकली भारतीय महिला राष्ट्र जैविक उत्सव मनाया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा और इसे 26 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें जो जैविक खेती के बारे में, जैविक उत्पादन होते हैं उसके बारे में महिलाओं को बताया जाएगा और उन्हें अवेयर कराया जाएगा. ओके फ्रेंड्स, सो जो आपका सरप्राइज पैकेज है वो यहाँ है 5 क्वेश्चन का. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइजिंग इंडस्ट्री, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी सबसे पहले कौन से देश में ओरिजिनेट हुआ था. ओके फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल को कौन हेड करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे बजट कहा जाता है वो भारत के संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है. तो ये है 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें. ओके फ्रेंड्स, और अपने कॉमेंट्स दें कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और आपको क्वेश्चन कैसे मतलब समझ आ रहे हैं, मतलब कैसे लग रहे हैं. ओके, कि ये बेनिफिशियल है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप और कुछ एडअप कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, आप कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे तो इससे काफी बूस्ट होता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कराने के लिए. सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो.